नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल, जिससे आप अपने सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। इस सप्ताह हम बात सबसे पहले करेंगे कि चंद्रमा किन किन राशियों में है। इस सप्ताह चंद्रमा सिंह, कन्या, तुला तथा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में पड़ने वाले प्रमुख प्रमुख त्योहारों के बारे में, क्योंकि निश्चित रूप से त्यौहार हमारे जीवन में खुशियां भी ले आते हैं। 9 मार्च की बात करते हैं, होलिका दहन है और फाल्गुन पूर्णिमा का दिन है। इस दिन होलिका दहन में आप ज़रूर सम्मिलित होइएगा, क्योंकि होलिका दहन में सम्मिलित होने से जीवन के समस्त पाप दूर हो जाते हैं, जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। 10 मार्च को होलिका पर्व का उत्सव है। निश्चित रूप से अनेक रंग जो आपके जीवन में उमंग पैदा करते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर डालते हुए खुशियां मनाइएगा। आज के दिन को बसंत उत्सव भी कहा जाता है, इसलिए खूब प्रेम पूर्वक पूरे परिवार के साथ होली के रंगों के साथ आनंद लें। आज का दिन चैत्र कृष्ण पक्ष का दिन प्रारंभ होता है। अब बात कर लेते हैं 11 मार्च की। तो 11 मार्च को संत तुकाराम जी महाराज की जयंती है और शुक्र का भरणी नक्षत्र में प्रवेश होगा। 13 मार्च को रंग पंचमी है। अपने घर के कुल के देवी देवताओं को अबीर गुलाल लगाते हुए पकवान, मधुर पकवान आप अर्पण करते हैं तो घर में राज राजेश्वरी माता त्रिपुरेश्वरी माता लक्ष्मी का वास होता है। अब बात करते हैं 14 मार्च की। तो 14 मार्च को चैत्र की संक्रांति है और मीन राशि की संक्रांति है। तो मीन राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है 14 तारीख को। निश्चित रूप से भगवान सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं और यह मीन राशि एक तरह से अंतिम राशि मानी जाती है कालचक्र की। बात कर लेते हैं 15 मार्च को। तो 15 मार्च को शीतला अष्टमी है। माता शीतला मैया सबके जीवन में शीतलता प्रदान करें। ये तो थे इस सप्ताह के प्रमुख प्रमुख त्यौहार और इनके बारे में मैंने आपके बारे में जानकारी दी। मित्रों, यह साप्ताहिक राशि फल हर प्रकार से आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आप अपने इस सप्ताह में आप क्या क्या प्लान करना चाहते हैं उसे राशि अनुसार सेट कर सकते हैं। यह तो हमने बात की इस सप्ताह पड़ने वाले प्रमुख प्रमुख त्योहारों के बारे में। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में। मित्रों, चंद्रमा की सूक्ष्म कलाओं की गणना करके तथा आपकी राशि के एक एक पल को देखते हुए तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि द्वादश भवनों का ख्याल रखते हुए 27 नक्षत्रों की सूक्ष्म गणना करके यह साप्ताहिक राशि फल मैं आपको भेंट करता हूँ। यह राशि फल आपके सप्ताह को सुंदर बनाने के लिए निश्चित रूप से आपके लिए उत्तम साबित होने वाला है। अब हम बात करेंगे इस सप्ताह की पहली राशि मेष की, कि मेष राशि के सितारे क्या कहते हैं, क्या कुछ इस आपको इस सप्ताह में मिलने वाला है, कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह क्या कहती है आपकी राशि मेष राशि वालों, इस सप्ताह क्या कहती है आपकी राशि मेष राशि। पारिवारिक स्थितियों में कुछ उथल फुथल होने की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें। व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा होने वाला है, परंतु वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। अनावश्यक वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। अपनी रणनीति को किसी के साथ ना शेयर करें, अन्यथा दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। इस सप्ताह को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब महामंत्र क्या है,
तो हनुमान जी महाराज का इस सप्ताह आप पूजन करके देखिएगा, और जहाँ तक हो सके हल्के काले रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करिएगा, तो यह सप्ताह आपके लिए सुंदर से अति सुंदर बनता चला जाएगा, मतलब भाग्यशाली बनता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। पारिवारिक स्थितियों को संभालने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, परंतु कार्य क्षेत्र तथा व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार ला सकता, मतलब इस सप्ताह आपको कुछ निश्चित रूप से चमत्कृत कर सकता है, कुछ अच्छा करा सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ अस्त व्यस्तताएँ बढ़ेंगी, परंतु इस सप्ताह विशेष करके भूमि भवन मकान या लग्जरी चीज़ों से सुख के प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आ सकता है, परंतु शत्रु पक्ष से विशेष सावधानी बरतें। जीवन साथी से संबंध मधुर बना के रखें, परंतु इस सप्ताह को सुंदर बनाने के लिए आपके लिए एक छोटा सा मंत्र, माता लक्ष्मी का शुक्रवार के दिन पूजन करें या किसी भी दिन शाम के समय पूजन करें। हल्के पीले रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करके देखिएगा, यह हल्का पीले रंग का वस्त्र आपके विघ्न बाधाओं को दूर कर देगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मानसिक अस्त व्यस्तताओं भरा रह सकता है। पारिवारिक क्षेत्र से कुछ दबाव भी महसूस कर सकते हैं, परंतु अनावश्यक वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। इस सप्ताह आप विशेष करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, अपने समय को निश्चित रूप से बर्बाद ना करें। व्यर्थ आर्थिक खर्च से निश्चित रूप से बचना चाहिए। यह सप्ताह कुछ लग्जरी लाइफ वाला हो सकता है, परंतु संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष से विशेष सावधानी बरतें, मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए भी अपने शत्रु पक्ष पे एक निगाह रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में क्या करना चाहिए, माता दुर्गा की आराधना करें। हल्के लाल रंग का वस्त्र निश्चित रूप से तमाम बाधाओं को दूर कर देगा। आप हल्के लाल रंग का अधिक प्रयोग करें या कोई रुमाल अपने जेब में लाल रंग के जरूर रखें। पूरा सप्ताह उत्तम होगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। पारिवारिक स्थितियां कुछ अस्त व्यस्त रह सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ के योग दिख रहे हैं, परंतु प्रेम संबंध में सुधार होगा। व्यापारिक स्थितियां आपके अनुकूल दिख रही हैं, परंतु इस सप्ताह आप किसी भी अनियमितता, मतलब आलस्य प्रमाद अपने अंदर न लाएं, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वाहन प्रॉपर्टी मकान यज्ञ वगैरह यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह को सुंदर बनाने के लिए भगवान शिव का स्मरण करें, शिव की आराधना करें, भगवान शिव के लिंग पे जल चढ़ाएं। क्रीम कलर के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करने से इस सप्ताह में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। सिंह राशि, पारिवारिक स्थितियां आपके अनुकूल दिख रही हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु क्रोध का त्याग करें। अनावश्यक व्यर्थ वाद विवाद में न उलझें। अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें। अप्रत्याशित सफलताएं भी मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है। व्यापारिक क्षेत्रों में किया गया प्रयास निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति का रास्ता खोल सकता है। इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते रहें। आप गुलाबी रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करेंगे तो सप्ताह के सारे विघ्न दूर होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके कार्य निश्चित रूप से बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में।
पारिवारिक स्थितियां ठीक रहेंगी। अनावश्यक वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। व्यापारिक स्थितियों को सामान्य करने के लिए कुछ प्रयास जरूर करने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में अति उत्साहित होने से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्या करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। इस सप्ताह हल्के हरे रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें। तुला राशि। परिवार में मान सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु अत्यधिक धन खर्ची से इस सप्ताह बचने की आवश्यकता है। अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ करने का प्रयास करें तो सप्ताह आपके लिए सुंदर से अति सुंदर बनता चला जाएगा। इस सप्ताह आप माता दुर्गा की आराधना करें, हल्के लाल रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। पारिवारिक स्थितियों के प्रति लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आलोचना का शिकार भी आप हो सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खान पान के मामले में विशेष सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बने हुए हैं। बस केवल प्रयास करने की आवश्यकता है कि व्यापार क्षेत्र में आपका ध्यान केंद्रित रहे। इस सप्ताह किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, जिसके द्वारा प्रयास करने पर धन के अच्छे संजोग भी बन सकते हैं। क्या करना चाहिए, माता लक्ष्मी की आराधना करें, हल्के पीले रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें। धनु राशि। पारिवारिक स्थितियों से कुछ मन दुखी रह सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। क्रोध से बचने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ नया प्लान कर सकते हैं। पारिवारिक क्षेत्र के लिए सप्ताह सामान्य रह सकता है, परंतु इस सप्ताह भाग्य में वृद्धि हो सकती है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी के द्वारा आपकी सहायता की जा सकती है। इस सप्ताह को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान राधा कृष्ण की आराधना करें तथा चटक लाल रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें। सप्ताह उत्तम से अति उत्तम बनता चला जाएगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। पारिवारिक स्थितियां आपके अनुकूल दिख रही हैं। परिवार में सम्मान प्राप्त होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। व्यापार संबंधित कार्यों के लिए कुछ नया प्लान कर सकते हैं या व्यापार में कुछ अच्छा हो सकता है। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। घर या परिवार से कोई मांगलिक सूचना प्राप्त हो सकती है। क्या करें, इस सप्ताह को सुंदर बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, हल्के हरे रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें। इस सप्ताह सुंदर हो जाएगा। कुंभ राशि। पारिवारिक स्थितियों में कुछ उथल फुथल हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने का प्रयास न करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक रहने वाला है, परंतु खान पान का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। परिवार को ठीक करने के लिए कुछ विशेष कार्य भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों को ठीक बनाए रखने का प्रयास करें। अपने मन से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करें तो ही बेहतर रहेगा। क्या करें, भगवान शिव की आराधना करें, सफ़ेद रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें या सफेद चमकीले रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें। सप्ताह सुंदर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। परिवार में कोई एक विशेष सूचना पूरे परिवार में खुशियां ला सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला प्रभाव वाला रह सकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए कुछ खास हो सकता है, परंतु प्रेम संबंध में दिल दिमाग दोनों का प्रयोग करने की आवश्यकता है, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्या करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, हल्के लाल रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करें। सप्ताह अच्छा से और अच्छा होता चला जाएगा। आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं आपके लिए फिर लेके आऊँगा साप्ताहिक राशिफल। लेकिन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, बिजनेस की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, मतलब HS न्यूज़ के साथ बने रहें। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। यह सप्ताह आपके खुशियों का सप्ताह हो,
यह सप्ताह आपके लिए पूरे साल हर प्रकार से खुशियाँ ले आने का रास्ता खोले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।